पाकिस्तान की अपनी हरकतें ऐसी हैं ना कि वो जो है वो दूसरे मुल्क से गारंटी मांग रहे हैं कि हमें गारंटी देंगे जी ये हमें वापस कर देंगे, तो ये हमारी अपनी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है मैम? हाँ, मेरा रबिया। रबिया, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं और IMF से हम लोग लोन मांग रहे हैं लेकिन वो हमें दे नहीं रहा है। अब उसने कहा है कि सऊदी अगर रिक्वेस्ट करे IMF से कि पाकिस्तान को बेल आउट दे दे तो तब हम देंगे $2 बिलियन की, तो आपको क्या लगता है कि सऊदी जो है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करेगा? मेरा हाल है कि पाकिस्तान के सऊदी से बड़े अच्छे टर्म्स हैं और वो करेगा, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनके अच्छे पाकिस्तान से टर्म्स जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो IMF को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें दे दें, पैसे दे दें। वैसे भी इनको करना चाहिए क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे भाई हैं वो, और उनको पाकिस्तान का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सेंस में, कभी मुस्लिम और कंट्रीज़ भी हैं वो कभी इससे हेल्प नहीं करते, लेकिन क्योंकि उनके पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स हैं तो शायद वो दे दे। अच्छा, हम अच्छे टर्म्स की बात करते हैं तो जो बात आती है इसराइल की, तो हमने तो उससे भी बेल आउट की बात की है, हमने इंडिया के साथ हमारे टर्म्स अच्छे क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बीच में कोई शरारत कर देते हैं, वरना हमारी तरफ से तुम्हें खाली कोशिश रहती है हमेशा। अच्छा, हम कहते हैं कि हम हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हमें नज़र भी आता है, और पाकिस्तान अब IMF की हालत देखिए, वो हर किसी से कह रहा है, अब इसने ग्रीस से भी बोला है कि जी पाकिस्तान के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करते तब भी हम पाकिस्तान को बेल आउट ग्रांट करेंगे, तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एम्बैरेसमेंट शायद फील कर रहा है। बिल्कुल, ये क्योंकि पाकिस्तान की अपनी हरकतें ऐसी हैं ना कि वो जो है वो दूसरे मुल्क से गारंटी मांग रहे हैं कि हमें गारंटी देंगे जी ये हमें वापस कर देंगे, तो ये हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हमारा कुछ शायद वो कहते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए शायद वो। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड कब अच्छा होगा? 75 ईयर्स पाकिस्तान को हो चुके हैं, आप देख लें। ये नहीं हो सकता क्योंकि हम नहीं सही ना, हम लोग सही होंगे तो फिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी सही होगा। हम कब सही होंगे? हम आवाम को देख लें, आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रही हूं कि हम हमेशा से गवर्नमेंट पर ब्लेम नहीं कर सकते, हम तो सही हो जाए ना पहले, जब हम सही होंगे तो फिर अल्लाह बेहतर करेगा। लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये कि सारे ममालिक जैसे कि साउथ एशिया की इस वक्त सबसे बड़ी इकॉनमीज दो कंट्रीज की जा रही है, एक इंडिया की जा रही है, एक चाइना की जा रही है, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑलरेडी बन चुके हैं और उसने चाइना को भी बीट किया, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की वो किस तरह से हेल्प कर सकता है, और अगर पाकिस्तान उसे हेल्प मांगता भी है तो क्या करना चाहिए इंडिया को इन रिटर्न उस रिस्पॉन्स में? मेरा ख्याल है कि हमें हेल्प मांगना छोड़ देनी चाहिए, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम हमेशा, क्योंकि हम लोग दूसरों की तरफ देखते हैं ना, इसलिए हमेशा हम घाटे में रहते हैं। अगर हम अपना करें और अपनी मदद के तहत हम लोग कुछ करें तो शायद हम लोग कामयाब हो। मेरा तो यही ख्याल है कि हमें उनसे मदद मांगना ही छोड़ देना चाहिए, हमें खुद कुछ करना चाहिए। हम कहते हैं कि जो सऊदीया है वो एक इस्लामिक स्टेट है और वहाँ पर आप देख लें, वहाँ पर वो हर कल्चर को प्रमोट करें, हर रिलीजन को वो प्रमोट करें, लेकिन पाकिस्तान का सबसे पीछे जाने का वजह ही है कि वो रिलीजन को ज़्यादा बीच में लेके आते हैं अपनी पॉलिटिक्स के। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वो उसमें आप वो कहते हैं ना इस्लामिक टच, जब तक इस्लामिक टच ना हम लोग दे दें तो हमें किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिलता, तो हम इसलिए तो हम लोग पीछे हैं ना, क्योंकि हम इस्लाम के नाम पे, हालांकि मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है और हम इस्लाम के नाम पे ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम गुफिन कला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो बेल आउट के लिए हमने इंडिया की रिक्वेस्ट की, इसराइल की रिक्वेस्ट की, IMF की भी रिक्वेस्ट की, लेकिन IMF ने पहले श्रीलंका को बेल आउट दे दिया और हमारे लिए बेल आउट नहीं उसने अलाउ किया। अगर अब बात करते हैं सऊदीया की, तो IMF ने कहा है कि सऊदीया अगर अलाउ करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्लेम करता है कि पाकिस्तान ये बेल आउट वापस करेगा, तो हम पाकिस्तान को $2 बिलियन दे देते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब दूसरे मुल्क रिक्वेस्ट करेंगे? दूसरे मुल्क तो करेंगे, फेवर देंगे पाकिस्तान को। एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान को $2 मिलियन जो ना $2 अरब सऊदीया ने पाकिस्तान को दे दिया है, और मज़ीद जो इस्लामिक कंट्री हैं वो और देने की कोशिश कर रहे हैं। UAE ने भी एक वादा किया कि $1 अरब देंगे, तो मज़ीद अगर पाकिस्तान इसमें थोड़ा सा एफिशिएंसी दिखाते हैं, अब मोटिवेट करते हैं जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़रूर देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। तो इस्लामी ममालिक से हमें देंगे, हमारे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तब को क्या लगता है कि हमें इंडिया से मांगना चाहिए? हमें इंडिया को देना चाहिए, ऐसे उनको लेना नहीं चाहिए। जैसी उनकी कंडीशन जा रही है, जैसे उनके मोदी सरकार जा रही है, वो तो मुसलमान जितने भी हैं वहाँ पर उन पर तशद्दुद करते जा रहे हैं, उनको कत्ल करते जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि जितने भी वहाँ पे मुसलमान हैं उनकी फेवर की जाए। ऐसे लोगों को पाकिस्तान खुद देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान खुद कैसे देगा जो पाकिस्तान की खुद सूरत हाल ठीक नहीं है? पाकिस्तान की मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मशीद जो है ना, अभी ये इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन ख़त्म हो गए, पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कब तक पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी? क्योंकि देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इंडिया से मांगे, इसराइल से मांगे, ऐसे मुल्कों से मांगे जिनके साथ हमारी बनती नहीं है।
लेकिन मजीद बन रही है। ये 14 मई को जो इलेक्शन है ना, उसके बाद 2 या 4 माह का पीरियड है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कोई मैसेज आप एंड पे देना चाहें हमारे सियासतदानों को, हमारी आवाम को, कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन हैं और इलेक्शन किस तरह से करने चाहिए हम लोगों को? वो ये है कि सियासतदानों को ये देखना चाहिए कि एक दूसरे की जो टांग खींच रहे ये ना करें, आवाम का भी सोचें। वो अपना पेट भरे जा रहे हैं कि आवाम जो इतनी पाकिस्तान कुछ साल में जा रहा है कि आवाम को भी थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, क्या कि वो अपनी जो जंग है ना वो तो लड़ते रहे, लेकिन आवाम को रिलीफ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बेल आउट के लिए हमने काफ़ी मुल्कों की रिक्वेस्ट की है, जिसमें इंडिया भी आता है, इसराइल भी आता है, और IMF से तो वैसे ही हम लोग मांग रहे थे, लेकिन IMF ने पहले श्रीलंका को बेल आउट दे दिया और हमें नहीं दिया। अब भी उसने कहा है कि अगर सऊदी आपकी रिक्वेस्ट करता है तो हम उसके बिहाफ पे आपको $2 बिलियन दे देंगे, तो आपको नहीं लगता कि हम क्यों कोई हमारी रिक्वेस्ट करेगा और क्यों कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा? नहीं, वो सिर्फ लॉलीपॉप देंगे पाकिस्तान को ना, जो IMF दे रहा है आपको 6 महीने से, वो अभी भी इंशाल्लाह आपको लॉलीपॉप ही देंगे से पाकिस्तान को। तो उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान को देंगे, जब तक ये पाकिस्तान स्टेबल नहीं होता, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट नहीं आती, तो उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई भी जो है लोन वगैरह कभी नहीं देगा। ये तो साफ बात क्लियर है कि जाहिर सी बात, जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, इकोनॉमिकल सिचुएशन हमारी ठीक नहीं, तब तक क्यों कोई हम पे ट्रस्ट करेगा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएगा? लेकिन हम मांगने में नंबर 1 पर जा रहे हैं। हाँ ना, वो तो शुरू से हैं, आज के थोड़ी हैं, मेरी एज 30 होने वाली है, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। तो गरीब तबका जो है वो डाउन का डाउन है, और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई कि जिसमें गरीब तबका जो है वो थोड़ा सा अप जाए, वो तो डाउन का डाउन ही जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब हमने इसराइल से और इंडिया से बेल आउट मांगा तो ठीक किया मांग के? मांगना गलत नहीं है, मांग तो काफ़ी देर से रहे हैं हम, कोई दे तो अच्छी बात है, ना दे तो फिर उसका भला है। चले इंडिया अगर हमें बेल आउट दे भी तो हम क्या करेंगे उन पैसों का, इलेक्शन पर लगाएंगे? हाँ इंशाल्लाह, हम तो यही वैसे ही करते हैं, हमने ज़ाया करना है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जितने भी आपके हुक्मरान आए हैं तो वैसे ही करते रहे। जैसे ही अभी आपको कोई भी अगर IMF भी दे देता तो वो भी इलेक्शन होना था, इलेक्शन पे लगेगा पैसा उसमें, ये इलेक्शन करवा क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आती है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन फिर भी कह रहे 14 मई को इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। इमरान खान के घर पर जो तैनात करते हैं, पुलिस भिजवाते हैं, रेंजर्स भिजवाते हैं, उनका बजट कहाँ से निकालते हैं? उनका भी तो अपने पल्ले से निकालते हैं ना, उनका भी बजट निकालते हैं, फिर उसके बाद आए दिन कोई 15-16 रोज़ उसके वहाँ पे शेलिंग होती रही है, वो वहाँ पे एक पुलिस बैठी हुई है, रेंजर्स बैठी हुई है, जा रही है, तो उसका बजट कहाँ से निकल रहा है? इनकी गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो कहाँ से निकल रहा है? इनकी ऐशो इशरत कहाँ से निकल रही है? तो ये सिर्फ एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो वो आवाम जो है आज से 50 साल पहले भी मेरे ख्याल से काफ़ी देर से ये लॉलीपॉप जो है इस्तेमाल कर रही है ये कौम जो है। थैंक यू सो मच रकीब इनकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान में क्राइसिस की बात करते हैं, फूड क्राइसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं, और भी बहुत सारे क्राइसिस हैं पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए IMF की, तो हमने बेल आउट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो कभी श्रीलंका को पहले दे देते हैं, कभी किसी और कंट्री को दे देते हैं। अगर अब भी बात की जाए तो IMF ने सऊदीया से कहा है कि अगर आप पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनको $2 बिलियन का बेल आउट दे देते हैं, तो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट नहीं है? बात सुने जब से ये आई है, ये तो एक्चुअली बिल्कुल ठीक है, जाहिर है, और उसकी वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट जाहिर है ही नहीं, ये तो इम्पोर्टेड, ये तो पकड़ दकड़ के लोग हैं, ये तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, ये तो लाख बिठाए गए, मतलब इन्होंने नाम बेड़ा गर्क कर दिया, और बिल्कुल नाम को ऐसे ना जैसे कहते ना बदनाम कर दिया हुआ है, और कोई हमारे मतलब वो रह ही नहीं गया, रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी कोई ना, तो जाहिर है अगर इंसान हो तो ये यहाँ से गुजरे और यहाँ खड़े हो जाए, ये अगर इंसान हो तो मेरे ख्याल में, मैं नहीं, ये सारी दुनिया, ये 24 करोड़ आवाम, आप अगर किसी बच्चे से भी पूछेंगे वो भी यही बोलेगा प्लीज़ इंसान के बच्चे बनो, घर चले जाओ, इलेक्शन करवाओ। ये हमारी बात का क्या है? इलेक्शन कमीशन जो है, अच्छा, आपको ये लगता है कि जितने लोग इस वक्त हमने इलेक्ट किए हुए हैं, नून लीग ले लें, PTI ले लें, इन सब की वजह से मुल्क थोड़ा पीछे जाता जा रहा है, बल्कि PTI की वजह से मुल्क ज़्यादा पीछे गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, PTI तो हमारा फेवरेट है, और इमरान खान अब आ जाए ना तो मैं कहती हूँ 100% मुल्क एकदम ज़मीन से आसमान पे चला जाएगा, वो लेके जाएगा, वो नेट बंद है और वो ज़रूर लेके जाएगा, और उसके साथ अल्लाह ताला भी है, वो बिल्कुल फेयर बंदा है, और ये जो है ये सारे करप्ट हैं। सॉरी मैम, लास्ट सवाल मेरा ये कि अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने किस मुल्क से नहीं कर्जा मांगा? उन्होंने इसराइल से मांगा है, उन्होंने इंडिया से मांगा है, तो क्यों मांगते हैं हम? उसकी बेसिक वजह ये है, ये बेकारी है, इनको मांगने की आदत है, ये पाकिस्तान के नाम पे मांगते हैं,
कर्जा हम लोगों को आप लोगों को देना पड़ेगा, ये अपनी जेबें भरेंगे, फिर कोई फ्लैट ले लेगा लंदन में, कोई दुबई चला जाएगा, कर्जा आप हम सब ने देना, इनका क्या, ये और दो महीने चार महीने भाग जाते हैं, वो जाके मरियम नवाज वो जाके सर्जरियां करवाती है इंग्लैंड में। जाहिर है क्या लगता है कि जो इंडिया से हमने कर्जा मांगा है वो फेलों में बैठी है ना। आम लोगों की हालत देखे ना, आम लोगों को यहाँ के देखे ना। अब हम लोग जर्मन से आए हैं तो यहाँ पे आके देखते हैं कि हालत क्या है लोगों की, मतलब जो आम आदमी, और इतनी महंगाई है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमने जो इंडिया से कर्जा मांगा है वो ठीक किया? बहुत गलत किया है, हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, बल्कि डूब मरने का मकाम है कि हम लोग इंडिया से कर्जा ले रहे हैं, मांग रहे हैं, बहुत ही शेम। मैं तो यही कहूँगी। मैसेज आप देना चाहिए एंड पे? यही कि प्लीज़ खुदा रहा हमारी गवर्नमेंट जो मौजूदा है उनको सोचना चाहिए और वो अपनी कुर्सियाँ छोड़ें, इलेक्शन करवाएँ फेयर, और अगर फेयर तरीके से वो आते हैं तो ठीक है, और अगर किसी और का हक है, इमरान खान का है या किसी और का है, तो प्लीज़ उनको आने दें, प्लीज़ इलेक्शन करवाएँ। थैंक यू सो मच मैम।